कपिल तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी इस साल की फेवरेट फिल्म कौन सी है? ऑफ कोर्स दिलवाले, पर वो क्रिटिक्स कुछ बोल रहे थे। नहीं, वो क्या है, वो क्रिटिक्स का जो है ना मुझसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार है। एक्चुअली उन्होंने जब मेरी शादी का भी वीडियो देखा था ना, उसे केवल 2 स्टार्स दिए थे। हाँ, बोलने लगे कुछ नया नहीं है, वही दूल्हा वही दुल्हन वही साथ फेरे, सेम स्टोरी है। उनका मिशा थोड़ा सा ऐसा प्यासा था। शाहरुख भाई, नाना करते भी आपने आज कुछ ज्यादा बोल दिया है, कल फिर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। मेरा यही प्रॉब्लम है यार, मेरा मुंह रुकता नहीं है, निकल जाता है, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया। पता, मैं संडे के संडे ना बच्चों के लिए कभी कभी खाना बनाता हूँ। आई नो। हाँ, तो और उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम क्या क्या चाहते हो, मैं क्या बनाऊं? तो कहते पापा कुछ भी बनाना, इस बार ब्रेकिंग न्यूज मत बनाना। वैसे इस साल तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से मैं भी काफी न्यूज में रहा हूँ। हाँ, मैंने देखी तेरी परफॉर्मेंस यार, अपनी बीवियों को ऐसे हक कर रहा जैसे दूसरों की बीवी है। मुझे देख, मैं दूसरों की बीवी को ऐसा हक करता हूँ जैसी मेरी अपनी है। आपको पता शाहरुख भाई, मैं बहुत अच्छा रोमांस करने वाला था, मेरे हाथ थोड़े से खुल भी गए थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जिस काम में बड़े भाई का अच्छा दुकान चल रहा है, मैं क्यों हाथ डालूं। बस यही सोचकर मैंने भी टीवी पर कॉमेडी नहीं की। मैंने कहा छोटे भाई का घर चल रहा है जिस काम से, उसमें मैं हाथ क्यों डालूं। जवाब जरूर देना ना आपने। वैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग था, तू हीर मेरी। मैं थोड़ा सा गा के सुनाता हूं आपको। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, क्या बात, मैं रांझा हूं लिबास तेरा। मैं चाहता हूं भाई आप मुझे इस गाने पे थोड़ा सा परफॉर्म करके बताएं कि अगर शाहरुख भाई ऐसा करते तो जाहिर सी बात है, मतलब ही इज अ रोमांस किंग, तो यहां पे मैं आपको बकायदा कंपनी देता हूं। ओके, ओके, मैं खुद नहीं, जैसा जैसा आपको ओरिजिनल लड़की देता हूं। ओके जी, मैं एक सेकंड, मैं जरा देख के आऊं, मेरे को बुला ले, दोस्त है नीचे। ओके, अच्छा आप क्या चाहते हैं, मैं यहां पे किनको इनवाइट करूं शाहरुख भाई के साथ रोमांस करने के लिए? मुझे क्लियर नहीं सुन रहा है, सुनेगा भी नहीं। ओके, माधुरी मैम, डॉक्टर नेने, हाउ आर यू? एक तो ना डॉक्टर नेने हमेशा साथ रहते हैं, माधुरी हमें डर लगता है कुछ बोलने में, इतना बड़ा इंजेक्शन लेके चलते हैं सूटकेस में कि जिसने किसने मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की ठोक देते हैं, पूछते भी नहीं है। वेलकम सर। अच्छा बड़ा फायदा हुआ, डॉक्टर नेने को ज्यादा हिंदी समझ में आती नहीं, तो थोड़ा मैं बोल के बच के निकल जाता हूं। माधुरी मैम, मैं चाहता हूं कि प्लीज आप 2 मिनट के लिए मंच पे आए, क्योंकि हर कोई आपका दीवाना है, आपको देखना चाहता है, आप कमाल लग रही हैं हमेशा की तरह। माधुरी दीक्षित जी के लिए जोरदार तालियां। स्टेज तक जाते जाते तो मैं कर ही सकता हूं। भाई साहब गाना बंद हो गया, वो इंजेक्शन भरना शुरू कर दिया उन्होंने। शाहरुख भाई आप रोमांस में इतना खो जाते हैं, आपको ट्रैक भी नहीं सुनाई दे रहा कि बंद हो गया। नहीं नहीं, मैं बहुत दिनों बाद माधुरी जी से मिला हूं, तो बातचीत कर रहा था अपने बच्चों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। तू इतना जेलस क्यों हो रहा है, तुमने तो बोला कि करो यार, और माधुरी जी से डांस करने का मौका मिले तो ऑफकोर्स यार पागल ही होगा ना इंसान। क्या हो रहा है, तेरा भी दिल कर रहा है? मैं ट्राई कर सकता हूँ आप, मतलब मतलब तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है ऐसे? कपिल जो है आपके साथ कुछ एक रोमांटिक डांस करना चाहेंगे, मुझे बैकस्टेज से बोल रहे हैं, इन्होंने ये पूरा जो सेटअप किया है इसलिए किया कि आपके साथ डांस कर सके। कपिल, जैसे तुम्हारे गाने पे मैंने गाया, मेरे रोमांटिक गाने पे तुम गाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम प्रेजेंटिंग माय सेल्फ, ए वेरी लो बजट शाहरुख खान। ठीक है भाई, हंसी मजाक करने की हमारी आदत है, व्हाट इज दिस, लुंगी में कब से रोमांस होने लगा? लुंगी डांस, लुंगी डांस, माधुरी जी मेरे बगल में खड़ी, लुंगी में रोमांस होता है भाई कभी? मेरा लुंगी लुंगी में तो बेस्ट रोमांस होता है, तुझे पता नहीं, जो बेस्ट रोमांस होता है जो टाइम सेविंग रोमांस होता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है जल्दी से फट से बांधो, निकल लो घर में और जाकर काम कर लो जो करना है। थैंक यू सो मच। ये चाहते नहीं है कि इनके कंपटीशन में कोई और आए।
एक बार माधुरी मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू माधुरी फॉर बीइंग सो ग्रेसफुल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू माधुरी। आइए माधुरी मैम, मैं आपको छोड़ के आता हूं। मैं छोड़ के आता हूं? नो यू रेसिस्ट। या ही डोंट वांट टू बी कंपीट विद एनीबॉडी। बेटा अंग्रेजी बोल के अपने और चांसेस खराब मत कर, जल्दी से अपना नेक्स्ट अवार्ड देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अवार्ड है ना जी, वो लिरिक्स के लिए। शाहरुख भाई, हाँ। लिरिक्स मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कोई लिरिक्स अच्छे बुरे नहीं होते, लेकिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जैसे एक गाना मुझे याद आया, और केंदी पौ केंदी पै केंदी जाना जाना है। अब तुझे जाना तो पहले जाके, अब पौ पौ हो रहा है। ऐसी बातें कर रहा है तो यार, तो होता है सर ऐसा? नहीं नहीं नहीं, हमारे जो सॉन्ग राइटर्स हैं वो एक्चुअली हमारे गानों की, हमारी फिल्म की शान है, और इतना सोच समझ कर लिखते हैं। बॉलीवुड के जो लिरिक राइटर्स हैं, जो शायर लोग हैं, अभी देखो जैसे एक फिल्म आई थी मेरी अभी जो आई है, उसके अंदर एक कितना खूबसूरत वर्ड यूज किया उन्होंने, गेरुआ। या गेरुआ क्या मीनिंग है उसका, तुम्हें मालूम है ना उसका मीनिंग? क्या मीनिंग है, क्या है? तुम्हें मालूम होगा ना यार क्या है उसका मीनिंग? गेरुआ एक्चुअली कलर होता है, इट्स लाइक नेक्स्ट टू रेड। या लाइक लिटिल पैरट कैरेट। सफाई मत कर, रहने वो कर लेंगे। So ladies and gentlemen, the next